हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी में हम रिलीजन का चैप्टर कवर कर रहे हैं एंड इस चैप्टर को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए आपको नेक्स्ट जो एक टॉपिक चाहता हूँ मैं पढ़ाना यहाँ पर बताना, वो है ओरिजिन ऑफ रिलीजन। कि अगर हम डिस्कस करना शुरू करें कि रिलीजन की ओरिजिनेशन कैसे हुई, डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट तरह से इमेजिन किया है, तो क्विकली मैं आपको इसके थ्रू एक बार रन थ्रू करता हूँ कि कौन से थिंकर ने क्या क्या इमेजिन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे क्योंकि रिलीजन बहुत ही इंट्रीगिंग फिनोमेना रहा है और वेरियस जो हमारे पास जो जैसे साइकोलॉजिस्ट रहे उन्होंने अलग तरह की यहाँ पे डेफिनेशन देने की ट्राई करी एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग तरह की डेफिनेशन देने की ट्राई करी। तो इन सभी को हम अपने अभी इसी लेक्चर में कवर करने की ट्राई करेंगे। और इसीलिए ओरिजिन को ये क्या मानते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वेरियस फोर्सेस, क्या डिफरेंट फोर्सेस, थोड़े से साइकोलॉजिकल फोर्सेस पे थोड़ा एम्फोसाइज करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी और तरह से इमेजिन करने की ट्राई करते हैं कि रिलीजन क्यों आया होगा। चलो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। और ये वेरियस जो थिंकर्स का मैं आपको नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, आप पेपर में इनको कोट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका आंसर काफ़ी एनरिचिंग हो जाता है, काफ़ी आपका जो एक आंसर होता है काफ़ी थॉरो नजर आता है। सबसे पहले हैं, एक नाम लेते हैं डी ब्रोसेस का। डी ब्रोसेस ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ फेटिशिज्म। फेटिश का मतलब क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा ऑफन। फेटिश का मतलब जनरली क्या होता है कि ये कार्ल मार्क्स ने वर्ड भी जो यूज किया था, फेटिश का मतलब होता है कि एक्सेसिवली किसी चीज को डिवोट कर देना, कि किसी चीज पे एक्सेसिवली अगर आप फोकस हो जाओ या डिवोटेड हो जाओ उसको फेटिश कहते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, जैसे कि कैपिटलिज्म में फॉर एग्जांपल कि फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज हुआ हुआ है, कि कमोडिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है, डिवोशन है लोगों का। तो डी ब्रोसेस क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फेटिशिज्म, कि किसी चीज पे बहुत ज्यादा डिवोशन। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलरली मैजिकल पावर मान ली जाती है, किसी चीज पे अगर आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाते हो तो मैजिकल पावर एसोसिएट करना शुरू करते हो किसी किसी ऑब्जेक्ट के साथ। एंड इसी कारण से वो कहते हैं रिलीजन ओरिजिनेट होता है। अगर आप ब्रॉडली अगर आपको पॉइंट क्या रखना है याद यहां पर कि थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ फेटिशिज्म। एंड ये बोलते हैं रिलीजन ओरिजिनेट क्यों होता है, क्योंकि मैजिकल पावर्स किसी किसी चीज के साथ एसोसिएट हो जाती है कि इनमें मैजिकल पावर है, तो उससे कहते हैं रिलीजन की शुरुआत होती है। डी ब्रोसेस ऐसा मानते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट है, हमने नाम पढ़ा हुआ इनका। ये बोलते हैं कि एक फेटिशिज्म नहीं, मल्टीपल फेटिशिज्म होती है, कि बहुत सारी चीजों पर डिवोशन हो जाती है। एंड जैसे वो बोलते हैं मैजिक, किसी किसी चीज में मैजिक को मान लेते हैं, किसी चीज में घोस्ट को मान लेते हैं या फिर सोल को मान लेते हैं, कि इसमें सोल है, अकॉर्डिंगली वो ये रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है। तो मल्टीपल फेटिसिज्म की थ्योरी थी। एंड देन मैक्स म्यूलर आते हैं, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में भी, हमने पहले भी देखा था। मैक्स म्यूलर की थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म। तो ये नेचुरिज्म में क्या बोलना चाहते, तो ये यहां पर कहते हैं कि चीजों को हमने परसोनिफाई कर दिया, परसोनिफिकेशन की ऑफ नेचुरल फिनोमेना, कि जनरली हमने हर एक चीज के पीछे देवी देवता टाइप ऐसे इमेजिन कर लिए, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं। तो और उसके उसी के कारण हमने जैसे लेट्स से कि ये रेन गॉड है ना, और उसके बाद लेट्स से अगर कोई अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम बोलते हैं कि जैसे कि जो अर्थ एज अ गॉडेस थोड़ा नाराज है या जो भी है, तो उसमें नेचरिज्म की हर एक चीज के पीछे हमने परसोनिफाई कर दिया, हमने किसी एक ऐसा एक इमेजिन कर लिया कि कोई यहां पे बीइंग है, कोई एक ऐसी कोई एक एंटिटी है पीछे जो सब कुछ चला रही है। कौन से चीजों के पीछे, नेचुरल फिनोमेनास के पीछे, कि अब अच्छा अब वरुण देव आ गए तो बारिश हो रही है, वायुदेव आ गए तो हवा चल रही है, एटसेट्रा। तो ये नेचुरलिज्म, मैक्स मिलर कहते हैं इससे रिलीजन जो है वो आगे बढ़ा जब हमने नेचर की पर्सोनिफिकेशन शुरू करी। एंड स्पेंसर, स्पेंसर वो अपनी ड्रीम थ्योरी प्रपोज करते हैं। ड्रीम थ्योरी में बोलते हैं कि सुपर नेचुरल जो बींग्स होते हैं वो ड्रीम्स में आते हैं लोगों के, एंड लोग उनको जो रिलीजियस कॉनोटेशन उसके साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसा सपना क्यों आया। एंड अकॉर्डिंगली टाइलर, जो एडवर्ड टाइलर है, इनकी थ्योरी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये एनिमिज्म की थ्योरी देते हैं। एनिमिज्म, एनिमिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड किससे निकला था, ये वर्ड था आपका एनिमा। एनिमा का मतलब क्या होता है, सोल, कि हर एक चीज में एक सोल मान ली जाती है, कि इसमें भी सोल है। इसमें आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि पहाड़ों में सोल, सड़क में सोल, मशीनों में सोल, हर एक चीज में एक सोल मान ली जाती है। एंड अकॉर्डिंगली ये रिलीजियस बिलीफ को आगे प्रोपोगेट करती है। जो आर आर मैरिट, मैरिट बोलते हैं कि इन्होंने मना थ्योरी पढ़ी, मना थ्योरी, मना थ्योरी को भी इसमें वो क्या बोलते हैं, एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म जनरली क्या यही है कि सोल भी एग्जिस्ट करती है एंड वो जो सोल है वो काफी एनिमेटेड है, वो काम करवाती है लोगों से, एंड वो लोगों को कुछ कुछ डिफरेंट तरह के एक्शंस कराती है, इन्फ्लुएंस भी करती है, बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है। तो एनिमेटिज्म की थ्योरी दी, थोड़ा सा सिमिलर सा ही आइडिया है, लेकिन इसमें एनिमा में तो हमने सिर्फ एज्यूम किया कि सोल है, यहाँ पे सोल एनिमेटेड भी है, और वो आप
लिविंग सोल है और काम कराती है और उसको दर्द भी होता है, इमोशंस भी हैं, बहुत कुछ। एंड इम्पर्सनल फोर्स कहलाती है वो जनरली, कि आपको किसी के इमोशंस फील हो रहे हैं आपको, तो आप एनिमेटेड हो। तो आपने देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपके कोई इंडिविजुअल नहीं पूछेगा कि बताओ ड्रीम थ्योरी क्या होती है, बताओ एनिमेटिज्म की थ्योरी क्या है। आपको क्या करेंगे वो, दे विल आस्क यू अबाउट कि रिलीजन की ऑरिजिन के बारे में बताओ। आप बताओगे देखो कि ऐसे देर आर अ फ्यू थियोरीज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये जो मेजरली जो थ्योरीज हैं ये वाली एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं या फिर ये वाली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि कैसे कैसे इंसान ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो डी ब्रोसेस का फेटिसिज्म, ऑगस्ट कॉम्टे मल्टीपल फेटिसिज्म, मैक्स मिलर का थ्योरी ऑफ नेचरिज्म, एंड देन स्पेंसर की ड्रीम थ्योरी, टाइलर की एनिमिज्म, मैरिट की एनिमेटिज्म। तो ये आपने याद करने की ट्राई करनी है, पेपर में कोट करोगे अकॉर्डिंगली आपके आंसर में रिचनेस विल कीप इंक्रीजिंग। अब आगे ये जो थ्योरीज हैं ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि जैसे इंसान के जनरली कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, इंसान के जो दिमाग में कुछ कुछ जो कैलकुलेशन चल रही हैं उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। क्रॉले आके पहले क्या बोलते हैं कि फियर और डेंजर इन सोशल रिलेशंस और अदर ऑब्जेक्ट्स, कि ये फियर से एसोसिएट करते हैं कि जनरली फियर या डेंजर होता है बहुत सारी चीज़ों में, किसी किसी इंसान से कोई सोशल रिलेशन में, किसी को कोई कोई अमीर है कोई गरीब है ना उसके चक्कर में, या अदर ऑब्जेक्ट्स का भी फियर हो सकता है। तो उस चक्कर में इंसान कहते हैं रिलीजन को डेवलप करता है, रिलीजन को वहां पर ओरिजिनेशन होती है क्योंकि फियर के कारण, फियर को टैकल करने के लिए। सिमिलर सी थ्योरी मेलिनोस्की ने भी दी, मेलिनोस्की की थ्योरी फियर के आसपास ही है, लेकिन हमने अपने हर लंबस में पढ़ोगे इसको और डिटेल में जान सकते हो, किताब लिखी टोटम एंड टैबू, एंड टोटम एंड टैबू में ये फिशरमैन विलेज की बात करते हैं ट्रोब्रियान आइलैंड्स में। आप इस कोट देखो, सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिक से पॉइंट्स हैं, पेपर में कोट करोगे नंबर बढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फियर ऑफ द सी एंड अननोन, कि अननोन को वहाँ पे वो पहले वर्शिप करके जाते हैं कि अपने सी की पूजा करते हैं क्योंकि सी से डर लगता है, सी को पहले आराम से वो पूरा ऐसे पूजते हैं और ऐसे वहाँ पे ना वो चढ़ाते हैं कुछ और ऑफरिंग्स देते हैं, उसके बाद वो सी में विजिट करते हैं क्योंकि उनको है कि सी अदरवाइज गुस्सा हो जाएगा तो हमें ये नुकसान पहुँचा सकता है। एंड इसीलिए एक और जो मैंने आपको बताया था पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर मेलिनोस्की क्या बोलते हैं कि रिलीजन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेथ, कि डेथ से प्रोटेक्शन ऑफर करता है। एंड कैसे, जैसे वो वहाँ था कि जैसे जब डेथ होती है तो इंसान को लगता है कि एक दिन तो मर ही जाना है तो क्यों करें सब कुछ काम, तो सोसाइटी कैन डिसइंटीग्रेट। तो यहाँ पर ये वाली बात बताना मत भूलना कि मेलिनोस्की कैसे बोलते हैं सोसाइटी कैन डिसइंटीग्रेट, कि डेथ के वक्त पर्टिकुलरली इंसान काफ़ी जो दर्द में दुख में होता है, सामने वाले को जो देखता है किसी को डेथ हुए हुए, तो उसके बाद वो उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ कर भी लिया तो क्या फ़ायदा है, सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे होती है किसी को, जब अपने नियर वन को अगर आप डेड देख लो तो। इसीलिए उसको रोकने के लिए, भाई तू दुनिया छोड़ के मत जा, कोई बात नहीं कि आपने ठीक है आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाकर संन्यास ले लो, तो उसको रोकने के लिए सोसाइटी कम्स इन एंड आस्क कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन की याद करो, ये करो सब कुछ। और वो कहता है इसीलिए सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट होने से रोकती है डेथ के वक्त, ठीक है। एंड आर एच लोवे के बारे में जान लो एक लाइन, कि ये हमने वैसे आपने शायद पढ़ा होगा, चैप्टर वन में भी उनका नाम लिया था हमने। तो ये कहते हैं रिलीजन को हम किससे एसोसिएट करते हैं, मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स। जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स की अगर बात करो ना, आपको कुछ मिस्टीरियस सा कुछ फील हो रहा हो, आप उसको कहीं ना कहीं रिलीजियस कॉनोटेशन डालना शुरू करते हो। लोग ऐसे बोलते हैं कि सुपरस्टिशन वहाँ पे जन्म लेता है, सुपरस्टिशन की ऐसी कोई एग्जिस्टेंस किसी एक सुपर नेचुरल पावर की जो आपको गवर्न कर रही है, तो लोग बोलते हैं कि वो मिस्टीरियस जो फीलिंग्स हैं वो आपको रिलीजन की तरफ ले जाती हैं। एंड लास्ट में आते हैं हमारे पास सिगमंड फ्रॉयड, तो आपको जैसे पता होगा शायद कि सिगमंड फ्रॉयड बहुत ही मेजर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये हर बात को ये सेक्सुअल कॉनोटेशन के थ्रू ही देखते हैं कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं जेनेसिस कहाँ पर है, सेक्सुअल हमारे जो इंटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ है या हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बोलते हैं कि इंसान जब सेक्स करता है तो पर्टिकुलरली उसके बाद उसको गिल्ट फीलिंग आती है, तो सेक्स से जुड़ी हुई बातों को सोचकर ये बोलते हैं कि गिल्ट की फीलिंग आती है। एंड इस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस गिल्ट, इंसान ने रिलीजन इन्वेंट किया कि मुझे इस गिल्ट से कौन छुटकारा दिलाएगा, आपको रिलीजन छुटकारा दिलाएगा। तो आपने यही बोलते हैं कि रिलीजन एज प्रोटेक्टिव वॉल अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ गिल्ट। कहते गिल्ट जनरली कहां से एसोसिएट होती है, सेक्स के साथ जोड़ते हैं ये, एंड अदरवाइज भी कहते बहुत सारी चीजों से गिल्ट आ सकती है, मेजरली यस सेक्सुअल एक्टिविटी से आएगी लेकिन हाँ और चीजों से भी आ सकती है। उस गिल्ट से कौन आपको निजात दिलाएगा, रिलीजन आपको उस गिल्ट से छुट्टी दिलाएगा, तो सिगमंड फ्रॉयड ऐसा मानते हैं। तो प्लीज याद रखना है साइकोलॉजिकल, हमारे पास ये हैं तीन चार, क्रॉले,
मेलिनोस्की, क्योंकि क्रॉले बोलते हैं फियर, मेलिनोस्की बोलते हैं कि फियर ऑफ द सी एंड अननोन, या डेथ के वक्त जो डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए, लोवे बोलते हैं मिस्टीरियस फीलिंग आ रही है दिमाग में, सिगमंड फ्रॉयड बोलते हैं गिल्ट के बारे में बात करते हैं. ओके, एंड देन कुछ सोशोलॉजिकल स्पेसिफिक थ्योरीज भी हैं. यहाँ पर हमने अपने थ्रू आउट अभी तक डिस्कस करते आए हैं सोशोलॉजिकल थ्योरीज कौन सी हैं. डर्कहाइम की, सेक्रेट प्रोफेन वाली हमने बात की है, पार्सन्स की वैल्यू कंसेंसस हमने पीछे लिखा हुआ है, वेबर ने रिलीजन पे बात करी PESC के अपने उसमें, कि रिलीजन जो इन्फ्लुएंस करता है और रिलीजन सोशल चेंज लेकर आता है. मर्टन ने फंक्शंस, डिसफंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस ऑफ रिलीजन की बात करी, और वेरियस सोसाइटीज़ में डिफरेंस ऑफ रिलीजन्स भी है बात करी. पीटर बर्जर कॉस्मॉस एंड नॉमॉस की बात करेंगे. नॉमॉस एंड कॉस्मॉस, नॉमॉस क्या होता है, नॉमॉस का मतलब होता है नॉर्म्स, जो रिलीजन आपको नॉर्म्स प्रोवाइड करता है. देखो, जो दिस वर्ल्डली है, दिस वर्ल्डली जो इस वर्ल्ड में रह के जो काम करवा रहा है रिलीजन आपसे, वो उसको नॉमॉस कह देता है. पीटर बर्जर की नॉर्म्स दी आपको कि सुबह उठ के आपने यहाँ पे ऐसे पाठ पढ़ना है, एंड देन जाके आपने जो अगर आपने मंदिर या गुरुद्वारे जहाँ भी जाना है जूते उतार के जाने, बहुत सारे नॉर्म्स दिए कि ट्यूजडे को ये खाना है या वो नहीं खाना, एटसेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना. आपको नॉर्म्स दिए किस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने आपको कॉस्मॉस को कहीं ना कहीं अपील करना है. कॉस्मॉस को कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर अब जो अप्रोच करने के लिए, तो वो कॉस्मॉस क्या होता है, सुपरनैचुरल, जो भगवान है, जो अपने अपने रिलीजन्स में वेरी करता है. तो इसलिए वो कहते हैं कि नॉर्म्स नॉमॉस कहलाए जो, एंड सुपरनैचुरल को वो कॉस्मॉस बोलता है. एंड इसलिए पीटर बर्जर बोलता है नॉमॉस एंड कॉस्मॉस का पूरा एक जो पूरा बंडल बना दोगे तो रिलीजन कहलाएगा. तो ये कुछ सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं, आप इनका अगर जिक्र करो तो काफी आपके पेपर में आपका आंसर काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे और वाइड तरह के आंसर्स को भी टैकल कर पाओगे. ओके, अब अपना एक और टॉपिक यहां पे गिवन है, वो है अबाउट एनिमिज्म. एनिमिज्म आपको मैंने इसे बताया कि टाइलर ने क्या बोला, एनिमा का मतलब होता है सोल. जब आप चीजों में सोल इमेजिन करते हो कि जान है इनमें, तो एनिमिज्म की तरफ बढ़ रहे हो. इससे स्पिरिट्स में विश्वास आपका काफी जो दिखाता है कि दैट यू हैव बिलीव इन स्पिरिट्स. तो इसके बाद टाइलर ने आगे क्या बोला कि स्पिरिचुअल बीइंग्स के होने में विश्वास, कि स्पिरिचुअल बीइंग्स होती हैं, इस विश्वास के कारण ही रिलीजन का जन्म हुआ. एंड इसीलिए बोलता है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन स्पिरिट्स के आसपास ही कहीं ना कहीं घूमता था, एंड ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते मॉडर्न डे रिलीजन की तरफ हम पहुंच गए एनिमिज्म में. और हमने क्या बोलते हैं कि जैसे एक्सपीरियंसिस कौन से, डेथ के, डिजीज के, हमें कुछ जैसे दिखाई देना, विजन, ड्रीम्स, हमें क्या लगता है कि हमारे जो बहुत सारे जो हमारे जो इनिशियल जो थॉट क्या होता है कि कोई ना कोई एक इमेटीरियल पावर है, जो कोई सोल है दुनिया में जो हमें गाइड कर रही है, हमें कुछ चाहती है बताना, हमें कुछ हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है. तो अकॉर्डिंगली आप हमने उससे कहते हमने एनिमिज्म को जन्म दिया, एंड उससे हमने एक ब्रॉडर कोई ना कोई दुनिया में एक सोल के होने की हमने बात कहीं ना कहीं सोचने शुरू करी. तो इसलिए वो बोलते हैं एनिमिज्म की शुरुआत वहां पर है, जो कि आगे जाकर रिलीजन बन जाएगा. एंड सोल होती क्या है, और वो सोल को आगे क्या बोलते हैं कि कहते हर एक इंसान में, ये आपने हिंदू उसमें भी अगर पढ़ा हो तो उसमें भी यही बिलीफ है कि एक सोल होती है जो कि बॉडी को टेम्परेरली छोड़ देती है ड्यूरिंग ड्रीम्स एंड परमानेंटली आफ्टर डेथ. कि ड्रीम्स के वक्त जो आत्मा कहीं बाहर घूमने जाती है, एंड डेथ के बाद तो परमानेंटली वो अपना शरीर बदल लेती है. तो ये एनिमिज्म के ही सारे बिलीव्स हैं, एंड बहुत सारे रिलीजन एनिमिज्म पे ही बेस्ड हैं. एनिमिज्म से शुरू होते हैं कहीं ना कहीं, एंड आगे ग्रेजुअली डेवलप होते हुए मॉडर्न फॉर्म में नजर आते हैं. एंड इसीलिए जो इंसान की जो इंटेलेक्चुअल नीड को भी ये सेटिस्फाई करता है ना, कहीं ना कहीं आप सोचो मुझे ऐसा सपना क्यों आया, मुझे ऐसी ये विजन क्यों हुई, कि मुझे एकदम से क्यों लगा ऐसा होने वाला है. तो आप बोलते हो देखो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल थी उसने कहीं ना कहीं कुछ कहीं गई थी रात को घूमने, उसने देखा होगा, या फिर आपकी सोल के साथ किसी और सोल ने कम्युनिकेट करने की ट्राई की है, कुछ भी. आपको आप उसको रीजनिंग कर देते हो तो आपकी इंटेलेक्चुअल नीड भी शांत हो जाती है, आपको लगता है कि आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, रीजन कर दिया, ठीक है. तो एनिमिज्म ये बहुत लेवल पे काम करता है. अच्छा है बुरा है हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं ये होता क्या है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोइज्म, नहीं बोलते मोनिज्म, बोलते हैं कि एक मोनो, आपको पढ़ते हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, कि जब किसी एक चीज में विश्वास, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में, लेट्स से कि पूरी की पूरी सोसाइटी सिर्फ लेट्स से क्रिश्चियनिटी में विश्वास करती है, पूरी सोसाइटी इस्लाम में विश्वास करती है, तो वो मोनोइज्म फॉलो कर रहे हैं कि जो भी कोई बिलीफ जो सिस्टम है वो एक ही है. और जनरली ये एक में होने का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में नॉर्म्स काफी कॉमन होने वाले हैं ना, नॉर्म्स काफी सिमिलर होंगे. अगर लेट्स से एक ही धर्म में सबका विश्वास है तो सभी में कहीं ना कहीं कंसेंसस बिल्ड करना रिलेटिवली ईजियर होगा, तो मोनोइज्म. एंड
जनरली आज की सोसाइटी में मोनोइज्म नजर नहीं आता ना, कि काफी मिक्सिंग हो जाती है, कि जो सिटीज में तो पर्टिकुलरली मोनोइज्म बहुत ही कम है, सिटीज में तो क्या है मोनोइज्म का उल्टा क्या बोलते हैं थोड़ा डिफरेंट, वो है प्लूरलिज्म, कि सिटीज में प्लूरलिज्म है, प्लूरलिस्टिक हमारी सिटीज बनती हैं। तो मोनोइज्म में होता क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन फेथ, वन चर्च, चर्च वैसे चर्च वो वाली क्रिश्चियनिटी वाली चर्च नहीं, चर्च का मतलब क्या होता है जो जहां पर जाके आप भगवान की इबादत करते हो, जहां पर जाके अपने अपने रिलीजन में कैन वेरी। तो सिंपल सोसाइटीज़ का ही ये फीचर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होती बाहर की दुनिया से, क्योंकि बाहर की दुनिया से लोग आएंगे तो उनके जो अलग फेथ होंगे तो मोनोइज्म नहीं रहेगा, और इसीलिए ये मिडीवल सोसाइटीज़ में ज़्यादा नज़र आता था जो मोनोइज्म। एंड उसके बाद मोनोइज्म से रिलीजन स्ट्रेंथन होता है ना, क्योंकि एक ही में विश्वास है, कोई काउंटर थॉट ही नहीं आएगा, रिलीजन काफ़ी जो इससे सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और ये इसीलिए इसको प्लूरलिज्म के हम अपोजिट भी मानते हैं। और इसीलिए सिंगल रिलीजन की जब मोनोपोली ओवर ट्रूथ होती है तो सोशल नॉर्म्स काफी रीइन्फोर्स होते हैं। जब एक ही तरह की विचारधारा है, मान लो कि विचारधारा है कि बीफ नहीं खाना, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा हाँ दैट इज ओके बीफ नहीं खाना। जो क्वेश्चनिंग कब आएगी, जब कोई और बिलीफ सिस्टम का इंसान वहां पे आके बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं करना बताओ मुझे। तो मोनोइज्म में इसलिए सोशल नॉर्म्स काफी रीइन्फोर्स होते रहते हैं, क्योंकि कोई काउंटर थॉट नहीं अवेलेबल। एंड देन उसके बाद इसका जो उल्टा भाई हमारा वो है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म से हमारी कहानी आगे काफी जो बढ़ जाएगी, तो प्लूरलिज्म डिस्कस करते हैं क्विकली। तो इस पर बात करी पीटर बर्जर ने, पीटर बर्जर सेकुलराइजेशन एंड प्लूरलिज्म पे बात करते हैं, किताब भी लिखते हैं सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं कि कहते हैं कॉस्मॉस मे नॉट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सेक्रेड, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे कॉस्मॉस हमने अभी पढ़ा था ना नॉमॉस एंड कॉस्मॉस, वो जैसे कॉस्मॉस जनरली क्या था हमारा सुपर नेचुरल, जो भी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जो रीच के बियॉन्ड, हमारी समझ के बियॉन्ड है, जिसको हमने भगवान या फिर हमने जो स्पिरिट माना, सुपर नेचुरल माना। तो वो कहते हैं सुपर नेचुरल जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही जोड़ा जाए, सेक्रेड से जोड़ा जाए सुपर नेचुरल। हम उसको क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारा जो अटेम्प्ट है प्लूरलिज्म का, जो अटेम्प्ट क्या होता है, इट इज़ टू सेकुलराइज कॉस्मॉस, कि हम किसी साइंटिफिक तरह से या फिर रिलीजन के बियॉन्ड जाके, हम रिलीजन से आगे जाके कुछ ना कुछ कॉस्मॉस को एक्सप्लेन करने की ट्राई करें, उसको हम क्या बोलते हैं प्लूरलिज्म। कि कोई और थॉट आ रहा है, रिलीजन तो बोल रहा है ना कि आपकी आत्मा छोड़ के जाती है ऐसा जो भी होता है, तो कह रहे नहीं इसके सिवा भी एक और कोई थॉट प्रेजेंट हो रहा है, वो बोल रहा है ऐसा नहीं होता कुछ और तरह से होता है, तो उसको प्लूरलिज्म की शुरुआत मानते हैं। पीटर बर्जर बोलते हैं जब कॉस्मॉस को आप सेक्रेड से दूर ले जाओगे, सेकुलराइज करना शुरू कर दोगे, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग ऑन द पाथ ऑफ प्लूरलिज्म या सेकुलराइजेशन, ठीक है ओके। तो मॉडर्न साइंस ने इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक रोल निभाया है, जो इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन, ठीक है। और आगे देखें तो बर्जर इसलिए प्लूरलिज्म को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ने की ट्राई करते हैं और सेकुलराइजेशन से जोड़ने की ट्राई करते हैं, कि मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन होती जाएगी, प्लूरलिज्म बढ़ता रहेगा, नई नई तरह की विचारधाराओं में लोगों के विचार बढ़ेंगे, है ना, जो 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 विश्वास बढ़ेगा अकॉर्डिंगली प्लूरलिज्म। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो ये एक पर्टिकुलर जो तरह की जो सेक्रेड जो विचारधारा चल रही थी उसको वीकन करता है, एक बिलीव सिस्टम को वीकन करता है प्लूरलिज्म, कि नहीं इसके काउंटर भी हमारे कुछ हो सकते हैं, कि डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी हो सकती हैं चीज़ों की। और ब्रायन विल्सन क्या बोलते हैं कि देखो मल्टीपल तरह की जो डिनोमिनेशन आ जाती हैं, कि एक ही कोई फिनोमिना, पर्टिकुलर कोई फिनोमिना हो रहा है, इसको पहले एक ही तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, अब बोलते नहीं एक ये वाली एक्सप्लेनेशन, एक ये वाली एक्सप्लेनेशन, नई नई तरह की एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं। तो कहते ये एविडेंस है, ब्रायन विल्सन इज अथॉरिटी ऑन सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म, आपने इनको बार बार कोट करना है, हम इसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे भी। तो ब्रायन विल्सन क्या बोलते हैं कि मल्टीपल तरह की डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, छोटा वाला रिलीजन, जैसे एक होता है ना एस्टैब्लिश्ड रिलीजन है दुनिया में बहुत सारे, जैसे लेट्स से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, ये प्रॉपरली ना जैसे ये इस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स हैं, तो थोड़े छोटे वाले, जैसे अब एक आप इमेजिन करो एक बड़े धर्म के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे धर्म होते हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे धर्म है, लेट्स से आर्य समाज अलग चल रहा है एंड राधा स्वामी अलग चल रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चल रहे हैं धर्म, अभी प्रॉपरली धर्म नहीं बने लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो इन बिटवीन है, उनको डिनोमिनेशंस कहा जाता है। डिनोमिनेशंस एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट रिलीजन की डेफिनेशन नहीं है, तो डिनोमिनेशन की तो क्या ही होगी, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि एक धर्म के अंदर छोटी 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 डिविजन्स होती हैं, तो उनको डिनोमिनेशन कहा जाता है। तो ये कहते हैं जैसे जैसे डिनोमिनेशन बढ़ती रहेंगी, ब्रायन विल्सन
बोलते हैं, कहते ये भी कहीं ना कहीं प्रमाण है कि सेकुलराइजेशन हो रही है, कि एक विचारधारा में किसी का विश्वास नहीं रहा, मल्टीपल विचारधाराएं आ रही हैं, प्लूरलिज्म हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि जितनी भी डिनोमिनेशन होंगी इनका अपना एक वर्जन होगा ट्रूथ का, कि हमारा सच तो ये है, हमारे हिसाब से तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए फिर पर्टिकुलरली जो सोशल सॉलिडारिटी थोड़ी सी इस तरह से वीकर हो जाती है, क्योंकि कोई एक तरह का विचारधारा ही नहीं होगी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट एक पर्टिकुलर तरह की विचारधारा। तो इसीलिए बर्ज एंड लुकमन का भी आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि प्लूरलिज्म से रिलीजन का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, थोड़ा वीकर हो जाता है प्लूरलिज्म से, मल्टीपल विचारधारा है ना रिलीजन का। क्योंकि आप बोलोगे जैसे पहले सिंपल एक तरह के रिलीजन ने एक तरह के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया, आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल सही कर रहा है बात है, जब दूसरा कोई विचारधारा आके उसने एक्सप्लेन किया आपको लगेगा यार ये बात भी सही लग रही है, कुछ हो सकता है इनकी बात में ना दम हो। तो इसलिए कोई सिंगल यूनिवर्स ऑफ मीनिंग नहीं रहता कि अच्छा जी सिर्फ एक ही तरह की बात ही है जो सच है या फिर एक ही तरह की एक्सप्लेनेशन सच है, आपको लगता है मल्टीपल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करती हैं, आपके दिमाग में डाउट आने शुरू होते हैं एंड देन आपका जो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है इट starts getting weak, it begins to weaken. तो यही एक बर्जन लुकमान का पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्क एंड बेनब्रिज आगे क्या बोलते हैं, ये आपको याद होगा हमने पढ़ा था कल, कंपनसेटर्स रैशनल चॉइस थ्योरी बोलते हैं ये रिलीजियस इकोनॉमिस्ट कहा गया, और ये बर्जन और बर्जर एंड ब्रायन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि बर्जर एंड ब्रायन लगे हुए हैं कि सेकुलराइजेशन हो रही है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने कहते हैं रिलीजन, हमने अमेरिकन सोसाइटी की स्टडी करी है, यहाँ पर रिलीजन और स्ट्रांग हो रहा है, रिलीजन नई नई तरह के फॉर्म्स में आ रहा है, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो कि किस फॉर्म में आ रहा है, आप बोल रहे हो रिलीजन वीक हो रहा है बस, लेकिन कहते हैं ये नई नई तरह की फॉर्म्स में आ रहा है एंड ये स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि अब कहते हैं लोगों के पास नई नई ऑप्शंस हैं, पहले एक ही तरह का जैसे क्रिश्चियनिटी नाम का रिलीजन था वही फॉलो करना पड़ता था, अब नई नई तरह की आ गई आपके पास, कोई ए रिलीजन आ गया, कोई बी रिलीजन आ गया, डी आ गया, तो कहते लोगों के पास ऑप्शंस हैं, कहते लोग अभी भी रिलीजियस बातों में विश्वास करते हैं जस्ट बिकॉज एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल रिलीजन फॉलो नहीं करते, कहते कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया रिलीजन में भी, नई नई तरह के रिलीजन आ गए हैं, और कहते क्योंकि एक और भी तो बात है ना कि क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस आई है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को टॉलरेट करता है, कहते टॉलरेंस आने से क्या हुआ कि एक फ्री मार्केट डेवलप हो रही है रिलीजियस इकोनॉमी की, कि एक रिलीजन जो एक इकोनॉमी की तरह ऑपरेट कर रहा है, एक मार्केट की तरह नए नए तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी जो आपको सूट करता है, एंड इनकी अगर भाषा यूज करें स्टार्क एंड ब्रेनब्रिज की क्या बोलते हैं, जिसके कॉम्पनसेटर्स, ये वर्ड याद है ना आपने पढ़ा था कल हमने, कॉम्पनसेटर्स, जिसके कॉम्पनसेटर्स बेस्ट होंगे, जो बेस्ट आफ्टर लाइफ जो ना आपके रिवॉर्ड को प्रॉमिस करता होगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, तो आपके कहते हैं उसके उस रिलीजन के आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये अपनी यहाँ पर कहानी थी हमारी एनिमिज्म मोनोइज्म प्लूरलिज्म की, इसके बाद हमारी कहानी आगे और खुल जाएगी, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्ट्स एंड कल्ट्स के बारे में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन मेजरली होता क्या है बच्चे सेक्ट्स एंड कल्ट्स पढ़ के जाते हैं रिलीजन में ढंग से, जो प्रीवियसली एनिमिज्म मोनोइज्म पढ़ के नहीं जाते, 10 मार्कर में कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि ये तो कहाँ से आ गया, तो क्या लिखेंगे, कुछ भी गप्पे कहानियाँ मारते हैं। तो इससे छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आधे आधे घंटे के टॉपिक हैं, पढ़ते चलना है आपने और चीजों के नोट्स बनाते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स जो पेपर में हैं वो आपको बहुत बार पूछेंगे एंड कंपलसरी बना के पूछेंगे, क्योंकि सबको बताना है ये बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं, ओवर प्रिपेयर करना है, जैसे आपको मैं पहले बार बार बोल चुका हूं, ओवर प्रिपेयर करके ही रैंक आता है, क्योंकि प्रिपेयर तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने अगले लेक्चर में सेक्शन कल्ट्स में मिलेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करो, गूगल भी करो, इग्नू से पढ़ो, एंड हर लंबस में तो बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है चैप्टर रिलीजन का, वहां से पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आती ही जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, थैंक्स अ लॉट।